Hi guys, so today we'll be doing the bottom level view of the binary tree. In the last lecture we've studied about the top level view, and this is just a little modification from that question, and I'll provide the link of that video in description. Wo puri detail mein batai hai. And in this video we'll just discuss the condition where this the thing is getting updated, जिससे कि हमारे पास bottom level view आ जाता है. ठीक है, तो टॉप लेवल व्यू और बॉटम लेवल व्यू में डिफरेंस क्या है? उसमें था कि हम ऊपर से देख रहे थे, अब इसमें क्या होगा, हम नीचे से ट्री को देख रहे हैं. ठीक है, तो अब जैसे क्लास में सपोज हम लाइन में खड़े हैं, ठीक है, सबसे छोटा सबसे आगे होता है, फिर ऐसे बड़े बड़े बच्चे खड़े होते रहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे छोटा वाला सबसे आगे होता है, एंड इसमें क्या होता है, सबसे बड़े वाला सबसे पीछे खड़ा होता है. ठीक है, तो इसमें जिसे अभी हमने पिछली वाली वीडियो में किया था कि लेवल जिसका कम था, सबसे कम लेवल उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो हम प्रिंट कर रहे थे, राइट? क्योंकि सबसे ऊपर लेवल सबसे कम था, क्योंकि जैसे इसका लेवल 0 है, इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 2 है, एंड इसका लेवल B1 है, इसका लेवल 2 है, राइट? एंड जैसे हमने इसके डिस्टेंसेस डिस्कस किए थे, जैसे इसका डिस्टेंस 0, इसका डिस्टेंस -1, डिस्टेंस -2, सिमिलरली इसका डिस्टेंस अपना है +1, एंड इसका डिस्टेंस है +2. अब उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो नोड्स सेम डिस्टेंस पे होंगी, सेम डिस्टेंस पे होंगी, तो जिसका लेवल कम था, लेवल कम था, वो विजिबल थी. ठीक है, अब बस इसमें क्या होगा, जिसका लेवल ज्यादा होगा एंड डिस्टेंस सेम होगा, वो दिखेंगी. तो अब जैसे सपोज क्या है, इसका हमारे पास लेवल 2 है एंड डिस्टेंस 0 है, राइट? एंड सिमिलरली इसका लेवल 3 है एंड डिस्टेंस -1 है. इस नोड का क्योंकि इस वाले पेरेंट्स से आए हैं, तो इसका लेवल 2 है एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इसका 0 है. एंड सिमिलरली 8 वाली नोड का लेवल 3 है एंड डिस्टेंस 1 है. तो इस केस में हमारे पास क्या है, देखते हैं. तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस लेवल पे हमारे पास 2 नोड्स हैं एंड इस लेवल पे 3 नोड्स हैं, इस लेवल पे 2 नोड्स हैं. तो डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास डिस्टेंस -1 पे 2 नोड्स हैं, 2 एंड 9. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 नोड्स. इसका लेवल क्या है, 1 है, इसका लेवल 3 है. तो बॉटम व्यू से क्या दिखेगा, 9 वाला दिखेगा, 9 वैल्यू वाला, जिसका लेवल ज्यादा है. एंड सिमिलरली डिस्टेंस 0 पे हमारे पास 3 नोड्स हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 4 एंड वैल्यू 6. सो लिख लेते हैं 1, 4 एंड 6. इनके लेवल डिस्कस करें तो 0 एंड इसका लेवल 2 एंड इसका भी लेवल 2. लास्ट में कौन सी अकर हो रही है, 6. तो जबकि इन दोनों के लेवल सेम है, तो जो एंड में हमारे को ट्रैवर्सल में, क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट में आएंगे तो सबसे एंड में ये वाली नोड दिखेगी, तो ये विजिबल होगी, राइट? सो इसमें थोड़ी सी अपडेट होगी कंडीशन, तो वो देख लेंगे. एंड देन उसके बाद हमारे पास इस लेवल पे भी 2 नोड्स हैं, लेवल डिस्टेंस 1 पे 2 नोड्स हैं, 5 और 8. एक का लेवल 1 है, एक का लेवल 3 है, तो कौन सी विजिबल होगी नीचे से, 8. तो हम ज्यादा लेवल वाली नोड प्रिंट करेंगे. सिमिलरली ये प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगी, एंड क्योंकि -2 वाली पे सिर्फ एक ही नोड है जिसका लेवल 2 है, तो वो प्रिंट हो जाएगी. एंड सिमिलरली 7 डिस्टेंस 2 पे एक ही नोड है, तो वो प्रिंट हो जाएगी. सो इसमें हम कंडीशंस देखते हैं क्या करने हैं हमें. सो हमारे पास जो इफ कंडीशन है, हम पहले चेक करेंगे मैप में क्या वो डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एज की अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर नहीं कर रहा तो हम ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड दैट डेटा एंड लेवल, राइट? और अगर नहीं, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एल्स कंडीशन में, अब हम चेक करेंगे कि क्या इफ जो मैप के उस डिस्टेंस पे उसका लेवल, लेवल कौन से पे है, सेकेंड वाली वैल्यू पे स्टोर है, अगर वो लेस देन है अभी वाले लेवल से, राइट?
अगर इधर लेस देन इक्वल टू हुआ, जैसे कि हम देख सकते हैं इस वाले केस में कि दो नोड्स के लेवल सेम थे, 2 और 2, बट जो एंड में आया वो विजिबल होगा, राइट? तो हमारा सेकेंड वाला तो लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 2 बट 2 इज इक्वल टू 2, राइट? सो हमें ये कंडीशन अपडेट करनी होगी इस केस में. तो अगर करंट वाला, मतलब जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, इज लेस देन इक्वल टू लेवल है, तो हम अपडेट कर देंगे एमपी ऑफ वो वाला डिस्टेंस, वरना हम अपडेट नहीं करेंगे एल्स कंडीशन में. तो हम एल्स लिखेंगे भी नहीं, तो फर्क नहीं पड़ेगा. ये हमारा अपडेट है टॉप लेवल व्यू के कंपैरिजन में. इसका कोड देख लेते हैं. वील मेक अ न्यू न्यू फंक्शन. रिटर्न टाइप हमारी वर्ड होगी बॉटम लेवल व्यू, एंड इसमें हम क्या पास करेंगे, नोड स्टार रूट, एंड देन क्या करेंगे, इंट डिस्टेंस एंड इंट लेवल, एंड मैप सेंड करेंगे मैप इंट कॉमा पेयर इंट कॉमा इंट एंड एमपी. देन उसके बाद हम पूछेंगे क्या रूट इक्वल टू नल है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे. एंड देन उसके बाद हम बोलेंगे कि क्या एमपी में, एमपी डॉट काउंट में वो डिस्टेंस अवेलेबल है. अगर नहीं है तो हम पहले बोल रहे हैं नहीं अवेलेबल, राइट? तो उस केस में हमें सिंपली पुश कर देना है एमपी ऑफ डिस्टेंस वाले पे, हमें पुश कर देना है. क्या पुश करेंगे हम इसमें, रूट का डेटा, राइट? एंड उसका लेवल. एल्स हमें क्या करना है, अगर प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे कि एमपी के डिस्टेंस पे के सेकंड वैल्यू पे, सेकंड वैल्यू क्या बता रहा है, हमारा लेवल बता रहा है, क्या वो लेस देन इक्वल टू है प्रेजेंट लेवल के. अगर है तो हम अपडेट कर देंगे एमपी ऑफ डिस्टेंस पे, हम अपडेट कर देंगे रूट का डेटा और प्रेजेंट वाला लेवल, ठीक है? तो ये केस है अपडेट का. एल्स क्या हो रहा है, एल्स कुछ नहीं हो रहा, मतलब हम अपडेट नहीं करेंगे उसे, एज इट इज रहने देंगे. एंड हम बॉटम लेवल व्यू रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे रूट के लेफ्ट पे. रूट के लेफ्ट पे कॉल किया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो -1 एंड लेवल +1 एंड मैप सेंड कर देंगे. सिमिलरली राइट साइड में कॉल करेंगे तो रूट का राइट एंड देन हम डिस्टेंस +1 कर रहे हैं. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लेवल हम सेंड कर रहे हैं, तो लेवल क्योंकि हम पेरेंट से चाइल्ड पे जा रहे हैं तो +1 हो जाएगा एंड हम मैप सेंड कर देंगे. अब हम इंट मेन पे, हमने पहले टॉप लेवल ट्रैवर्सल बुलाया था, अब हम बॉटम बॉटम व्यू होगा इस कोड का नाम, बॉटम व्यू. इसका नाम अपडेट कर देते हैं हम, बॉटम व्यू. एंड रूट सेंड करेंगे 0 और 0, हमारा डिस्टेंस एंड लेवल है, एंड एमपी सेंड कर देंगे. एंड आइट्रेशन के लिए, जैसे लास्ट वीडियो में समझाया था कि ऑटो आईटी हम लेंगे, आइट्रेटर चलाएंगे हम मैप पे, मैप का फर्स्ट वैल्यू. मैप की मैप के सेकंड में क्या होगा, पेयर रिटर्न होगा, पेयर का फर्स्ट तो डेटा रिटर्न होगा, तो हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, राइट? ये हमारा कोड है एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं. इधर हमें डेटा लिखना है ना कि राइट. ये हमारा कोड हो जाएगा एंड इसको हम सिमिलरली जो पिछला इनपुट दिया था उस पे ही कॉल कर लेते हैं. बिल्ड ट्री फंक्शन हमने कॉल किया, हमने इनपुट दी एंड आउटपुट हमारे पास रिटर्न होके आया. हमारे पास आउटपुट आया है, देख लेते हैं क्या है. 3 आया, फिर उसके बाद 2 आया, देन 6 आया, देन 8 आया, देन 7 आया. यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, 3 2 6 8 7. दिस वाज द कोड फॉर बॉटम व्यू ऑफ द ट्री. एंड थोड़ी नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना, एंड द कोड इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो.